दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज मैं आपको बताऊं कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या शुक्रवार को जो आंका गया 2.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना से संक्रमित पहले मरीज की पहचान 22 मार्च 2020 को हुई थी। 25 दिसंबर तक 280 दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। राहत की बात यह है कि सूबे में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.31% रही, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में अब तक 2,43,255 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 1,373 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। कोरोना के अभी 5,347 एक्टिव मरीज हैं जिसका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक सबसे अधिक पटना में कोरोना संक्रमित पाए गए 47,717, जबकि मुजफ्फरपुर में 11,430, भागलपुर में 9,322, पूर्णिया में 9,230 संक्रमित मिले। शिवहर में सबसे कम 1,425 संक्रमितों की पहचान हुई है। कैमूर में 2,046 और अरवल में 2,269 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात करें इलाज की, तो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर एम्स पटना के साथ ही राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सिर्फ कोरोना संक्रमितों के इलाज को लेकर 100 बेड आरक्षित किए गए हैं। कोरोना यूनिट में 3 पालियों के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोरोना रूपी महामारी से त्रस्त लोग आज भी कोरोना से बचाव के लिए काम कर रहे हैं। उधर अगर बात करी जाए तो रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां और जनसंघ के दौर में बिहार में भाजपा का झंडा थामने वाली बिमला प्रसाद का बीते दिन रात को निधन हो गया। वह जेपी आंदोलन की भी सक्रिय महिला सेनानी थी। वे पार्टी के संस्थापक सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के जनसंघ की नींव रखने वाली में सुमार स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद की पत्नी थी। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को 12 बजे पटना के दीघा घाट में होगा। कई राजनेताओं ने उनके मृत्यु पर शोक जताया है। उधर इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट में कट ऑफ 75% देने की बात कही गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाने पर का असर दिखा। किसी तरह के पेपर वायरल की खबर परीक्षा के दौरान सुनने को नहीं मिला। सोशल मीडिया पर भी किसी भी तरह के प्रश्नों के का उत्तर वायरल नहीं हुआ। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि परीक्षा में 90% उपस्थिति रही। इस परीक्षा के लिए 58,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया था। 75% कट ऑफ 75% तक जाने की उम्मीद जताई गई है। कहना गलत नहीं होगा कि जूनियर डॉक्टरों के द्वारा जो बिहार में हड़ताल की गई है, अब सरकार डॉक्टरों पर सख्त कदम उठाने को तैयार है। नो वर्क नो पे की बात कही जा रही है। जूनियर डॉक्टर अड़े हुए हैं कि उनकी स्टेपन में वृद्धि हो। डॉक्टरों की इस हड़ताल के कारण आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। इस हड़ताल के बाद अब सरकार अंकुश लगाने के लिए नो वर्क नो पे के फॉर्मूले को जारी किया है। उधर किसानों के समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 80% किसान गरीबी से जीवन जी रहे थे, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए यह कानून लाया गया है, लेकिन विपक्ष के नेतागण इस कानून को गलत करार देते हुए अलग तरीके से किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं। कटिहार में जो 5 अफगानी पकड़े गए थे और उन्हें पूर्णिया जेल में रखा गया था, 48 घंटे के लिए रिमांड पर ली गई है और कड़ा पूछताछ एटीएस आईबी क्राइम ब्रांच ने करना शुरू कर दिया है। कई प्रकार की बातें सामने निकलकर आने की बात कही जा रही है। उधर जनता दल यूनाइटेड
में खलबली मची हुई है, चूंकि जनता दल यूनाइटेड के अरुणाचल प्रदेश के 7 विधायक में 6 विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर अपने दल में मिला लिया है। इस मिलाने की खबर के बाद बिहार के राजनीति में काफी हलचल मच गई है। साथ ही साथ बिहार में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा है कि बैठक के बाद किसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। उधर बिहार अब शहरीकरण के मामले में भी देश के दूसरे राज्यों से पीछे नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि पटना नगर निगम के विस्तार की योजना को फिलहाल रोके जाने की खबर है। नगर निगम में दानापुर, फुलवाड़ी शरीफ और खगौल नगर परिषद के साथ ही उनसे सटी कुछ ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित था। जिले की ओर से इसका प्रस्ताव भी भेजा गया था, मगर शामिल किए जाने वाले नगर परिषद इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। गत विकास दिवस फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद की बोर्ड बैठक में इसका विरोध हुआ है। जानकारी के अनुसार मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, बक्सर और समस्तीपुर को नगर निगम बनाने की बात कही जा रही है। राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब नगर परिषद को नगर निगम और नगर पंचायत इस तरह से शहरीकरण करने की बात कही जा रही है और चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये के कारण जनता दल यूनाइटेड कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। बंद घर में लगातार चोरी होने की घटना घटित हो रही है। चोर रात में बंद पड़े घरों में चोरी करके लाखों लाख लूट रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों में काफी दहशत का व्याप्त है। ठंड के कारण लोग घरों में दुबके रहते हैं और चोर चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। अहमदाबाद में दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत में हरदेव टोला बांध पर पुलिस ने 2 शराब तस्कर को 30 लीटर विदेशी शराब के साथ धर दबोचा। इसके अलावा 2 बाइक को भी जब्त किया। थाना अध्यक्ष नरेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस गाड़ी को देखकर शराब तस्कर भागने लगे, जिसे खदेड़ कर छल्लापट्टी गांव निवासी मोहम्मद नईम अख्तर और मोहम्मद शरीफुल को गिरफ्तार किया गया, जो बंगाल से शराब को लेकर आ रहे थे। कटिहार के अहमदाबाद की यह घटना है। डिक्की तोड़कर 3 लाख रुपया उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने की बात कटिहार पुलिस ने किया है और कहा है कि डिक्की तोड़ गिरोह की शिनाख्त कर ली गई है। जल्द से जल्द 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं और जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही गई है। उधर बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव के समीप गुरुवार देर रात बदमाशों ने समुखिया मोड़ के तांत्रिक बुलाकी मलिक, जो 70 वर्षीय थे, उन्हें गोली मारकर हत्या उनकी कर दी। पुत्र ने 3 लोगों की हत्या में प्राथमिकी दर्ज कराया है। कहा जाता है कि अमरपुर के ये तांत्रिक को गोली मारकर अपराधियों ने फरार होने में सफलता प्राप्त किया। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पर पथराव हुई है। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र के गांव में मांगो बंदर में गुरुवार को देर रात शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव किया। इसमें पुलिस की गश्ती वाहन शीशा क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मामले के पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए बिहार सरकार ने टास्क पुलिस वालों को दिया है और इस टास्क को पाने के बाद पुलिस वाले जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह शराब के खेप जो लाए जा रहे हैं, जो माफिया तंत्र हैं,
जो इस तरह का घटना करते हैं उसे रंगे हाथ पकड़ा जाए और जेल भेजा जाए। उधर बेतिया से खबर निकल कर आई है कि नवलपुर थाना क्षेत्र के खैटिया गांव में ससुराल वालों ने गुरुवार की रात नवविवाहिता गुलशन खातून 21 वर्षीय को मारने पीटने के बाद जहर देकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि दहेज की खातिर इसकी हत्या कर दी गई है। सुपौल जिले की खबर निकल कर आई है कि जिले के त्रिवेणीगंज थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में शुक्रवार सुबह बंदूक की सफाई करते समय अचानक गोली चल जाने से महिला सिपाही घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल जूली कुमारी को सदर अस्पताल लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। अब जान बचने की बात कही जा रही है। महिला जवान गया जिला के रहने वाली है और 6 दिन पहले ही उनका स्थानांतरण महिला थाना से त्रिवेणीगंज हुआ था। घटना की जांच करने भागलपुर से SFL की 2 सदस्यीय टीम भी पहुंच चुकी है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज आपको नई नई खबर देने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद।